हेलो बच्चों, सुहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम होम बेस्ड प्रोजेक्ट कक्षा 5 विषय अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश को जानेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं हमारी वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। आइए अगर हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए विशेष निर्देश। निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। यहाँ पर आप आपका नाम, यहाँ पिता का नाम, साला का नाम, ये लिख देंगे और आपका जो प्रोजेक्ट का जो पूर्णांक होगा वो 40 अंक का होगा और यह प्रोजेक्ट भरकर आपके कक्षा शिक्षक के पास में जमा करना है। फिर कक्षा शिक्षक जो है आपके वर्कशीट को जांच कर प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में यहाँ अंक भर देंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। आइए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। कौशल आधारित लिखित प्रश्न वर्कशीट में दिए प्रश्नों के उत्तर। वर्कशीट में प्रश्नों के नीचे आबलिक आगे दिए स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाए। नंबर दूसरा, प्रोजेक्ट वर्क। वर्कशीट में दिए प्रोजेक्ट वर्क की घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री एवं दैनिक के जीवन में होने वाली घटनाओं के अवलोकन विश्लेषण व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। अगला है, वर्कशीट को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपनी पाठ्यपुस्तकों, माता पिता, मित्रों, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है। अब अगला देखिए बच्चों, 4 प्रोजेक्ट कार्य का चयन उसमें निहित उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। पहला देखिए, इसमें व्यवहारिक कार्य, बी में बौद्ध, सी में समस्या हल संबंधी और डी में कौशल और ज्ञान की प्रवीणता। पहले देखिए आप, व्यवहारिक कार्य जिसमें मॉडल रचना जैसे सामग्री के वास्तविक निर्माण पर बल शामिल है। बौद्ध में इसमें पठन और कहानियों के श्रवण जैसे प्रत्यक्ष और प्रतिनिधिक अनुभव शामिल होते हैं। सी, समस्या हल संबंध, इसमें बौद्धिक प्रक्रमों द्वारा समस्या का हल निकाला जाता है। डी, कौशल और ज्ञान की प्रवीणता, इसमें पाठ पुस्तकों या परियोजना पुस्तकों में दिए गए निर्देशों का निर्दिष्ट कौशलों में कौशल प्राप्त किया जाता है। अगला है, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, पूर्व में प्राप्त किए गए विषय ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाना। अगला अति महत्वपूर्ण है, वर्कशीट को प्रत्येक बच्चे द्वारा पूर्ण कर शाला में कक्षा शिक्षक के पास जमा करना अनिवार्य है। आइए हमने इन सब महत्वपूर्ण निर्देश को देखा। इसके बाद हम विषय प्रोजेक्ट में कैसे तैयार करना है, तो प्रोजेक्ट में क्या रहेगा देखिए आप, विषय अंग्रेजी कक्षा 5 प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट नंबर 1 में देखिए आप, यहाँ पर किलोमीटर चित्र लिखा है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, आप चित्र को देखें, पूरे चित्र को ध्यान से देखेंगे। यहाँ से मैं क्या लिखा है, पर किलोमीटर केजी 10 रुपये पर केजी, 6 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी, 8 रुपये पर केजी, 7 रुपये पर ये चित्र में दिखा है। चित्र किसका बना है वो आपको ध्यान से देखना है। अब आप यहाँ देखिए, लुक एट द एव पिक्चर एंड टॉक टू योर पार्टनर इन द फ्लोविंग मैनर। ऊपर दिए गए चित्र को देखो और अपने साथी से निम्न तरीके से चर्चा करो। अब देखिए आप, एक बार्ट्स देयर इस ब्रैकेट्स नंबर 1
क्रमांक एक वाली डलियों में क्या है? तो इसमें लिखना है आपको आंसर, देयर आर पोटैटोस इन द ब्रैकेट्स, इस डलिया में क्या है? आलू है। अगला देखिए आप, व्हाट्स इट प्राइस, इसकी कीमत क्या है? तो यहाँ लिख देंगे आप कि इट्स इज 5 रुपीज़ पर केजी, यह है 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगला प्रश्न देखिए, विच वेजिटेबल टू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी सब्जी तुम्हें सर्वाधिक पसंद है? तो उत्तर में लिखेंगे आई लाइक पोटैटोस द मोस्ट, मुझे आलू सर्वाधिक पसंद है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच वेजिटेबल डोस यूअर फादर लाइक द मोस्ट, कौन सी सब्जी तुम्हारे पिता को सर्वाधिक पसंद है? तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे माय फादर लाइक कैबेज द मोस्ट, मेरे पिता को पत्ता गोभी सर्वाधिक पसंद है। अगला देखिए, विच वेजिटेबल इस यूअर मदर्स फॉर राइट, कौन सी सब्जी तुम्हारी माँ को पसंद है? तो यहाँ लिख देंगे आप माय मदर्स फॉर राइट इस कल्टीफ्लावर, मेरी माँ को फूल गोभी पसंद है। अगला देखिए प्रोजेक्ट नंबर 2, तो ड्राइव इस पिक्चर आप ए मैंगोस फ्री, नेम इट्स पार्ट एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिम, आम के पेड़ का एक चित्र बनाओ, उसके सभी भागों का नामकरण करो तथा उसके बारे में 5 वाक्य लिखो। तो अब देखिए आंसर में, दिस इज ए मैंगोस थ्री, यह एक आम का पेड़ है। सेकंड देखिए, इट हैज़ वेरी लॉन्ग ब्रांचेस, इसकी टहनियाँ बहुत लंबी है। तीसरा देखिए, इट हैज़ वेरी हार्ड डर्क, इसकी तना बहुत कठोर है। चौथा देखिए, इट्स ए फ्रूट्स एयर कलेक्ट मैंगो, इसके फल आम कहलाते हैं। इट्स ए फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी, इसके फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चित्र में देखिए आप आम का पेड़ बना हुआ है। अब प्रोजेक्ट नंबर 3 देखेंगे, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेकिंग एन लास्ट लिस्ट ऑफ द फ्लावर्स द ब्लूम ड्यूरिंग विंटर देन ड्रॉप them in your notebook and color them। क्या करना है आपको कि सर्दियों में खिलने वाले फूलों की एक सूची बनाना है और अपने मित्रों से चर्चा करना है, फिर इन्हें अपनी कॉपी में बनाकर रंग भरना है। तो देखिए आप यहाँ पर आंसर में लिख देंगे ए लिस्ट ऑफ द फ्लावर्स दैट ब्लूम ड्राइंग विंटर, सर्दियों में खिलने वाले फूलों की सूची। देखिए आप, रोज, गुलाब, मैरीगोल्ड, गेंदा, डैशी, गुलबहार, नरगिस और टुलिप, कंदफूल। छात्रों द्वारा चित्र बनाकर रंग भरा, इन सभी आपको क्या करना है, चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। अब प्रोजेक्ट नंबर 4 देखिए आप, प्रोजेक्ट नंबर 4 में क्या करना है, लुक एट्स द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। क्या करना है, खाली स्थान को भरना है इन शब्दों के माध्यम से, शब्द दिया नियर, वन, अंडर और ब्राइंड बीन। तो देखिए आप इसमें क्या भरना है, पहला है द बॉय इज हैंडिंग द 3, इसमें क्या भरना है आपको चॉइस करना है। तो देखिए आप इसमें क्या भरेंगे, आप
फिर अगला है दूसरा, द शख्स इज सिटिंग द थ्री, इसमें भी आपको क्या भरना है वो भी देखना है। फिर देखिए आप, द पोस्ट ऑफिस इज द स्कूल, फिर द गर्ल इज सिटिंग एंड खालिस्तान द चेयर। अब इसमें क्या भरना, तो कैसे भरना देखिए आप, इसको कैसे भरना है, चित्र लिखा है। आंसर देखेंगे, द वॉयस इज हैंडिंग बिहाइंड द थ्री, ये पहला वाला भर जाएंगे, बच्चे पेड़ के पीछे छिपा है। अब दूसरा वाला देखिए, द सगे इज सिटिंग अंडर द थ्री, साधु पेड़ के नीचे बैठा है, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब फिर इसके बाद में तीसरा नंबर क्या था हमारा, द पोस्ट ऑफिस इज नियर द स्कूल, पोस्ट ऑफिस स्कूल के पास है। फिर अगला है, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, लड़की कुर्सी के ऊपर बैठी है। अब इस प्रकार चौथा नंबर का प्रोजेक्ट हो गया। अब पाँचवा नंबर का प्रोजेक्ट है, देखिए, लुक एट द फ्लॉविंग क्लॉक्स केयरफुली एंड राइट द टाइम अंडर इच ए देम। आपको इस चित्र में देखना है और लिखना है कितना टाइम इन घड़ियों में बता रहा है, क्लॉक्स यानी। अब देखिए आप यहाँ पर घड़ी का चित्र देखें पूरे, यहाँ पर पहला देखें घड़ी का चित्र, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा देखें, चौथा देखें, पांचवा देखें और इस प्रकार छठवा देखें। तो आपको देखना है और चित्र में क्या है उसको आंसर में देना है। तो देखिए पहला, इट्स ए क्वार्टर टू फोर, यानी कितना बजा है, पौने चार बजे। दूसरा देखिए, इस क्वार्टर टू सिक्स, इसमें छः बजे हैं सेकंड नंबर में। तीसरा नंबर में देखिए, इट्स क्वार्टर पास्ट सेवन, यानी सवा सात बजे हैं। फिर देखिए, इस क्वार्टर पास्ट नाइन, सवा नौ बजे हैं। पाँचवा देखिए, इट्स क्वार्टर पास्ट फोर, सवा चार बजे हैं। पाँचवें वाले और छठवा वाले में देखिए, इट्स क्वार्टर पास्ट फोर, यानी सवा चार इसमें बजे हुए। इस प्रकार ये टाइम क्या क्या बजे हैं यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखेंगे प्रोजेक्ट नंबर सिक्स, तो कंप्लीट द बर्ड्स लची यूजिंग द गिवन क्लूस। पजल्ली वर्ड जो है आपके वो इस चित्र में दिया हुआ है, इसमें भरना है आपको। तो क्या भरेंगे, पहले में वन ऑफ द मनी सॉफ्ट लाइट पार्ट कवरिंग ए बर्ड्स इस बॉडी। सेकेंड में भरेंगे, द पार्ट ऑफ प्लम फ्रॉम विच द फ्रूट डेवलप्स। तीसरे में भरेंगे, ये कैरेक्टर्स विथ विंग्स। चौथे में देखिए, अनुभव बेबेस। पाँचवें में देखिए, प्लेसेंट सेशंस। तो इस प्रकार आंसर में देखिए जी यहाँ पर भर दिए हमने, और इस प्रकार से भर देंगे। प्रोजेक्ट नंबर सात देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाउ सतीश सेलिब्रेटेड दिवाली। सतीश ने दिवाली कैसे मनाई, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो लिखेंगे आंसर, सतीश सेलिब्रेटेड दिवाली विथ हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यू नगर यूनगर सिस्टर पूजा। ही पुट वन न्यू क्लोटिस इट स्वीट एंड
लास्ट ऑफ थ्री वर्क्स इन द इवनिंग टाइम ऑल ऑफ इस बस पेट द गोस लक्ष्मी देन स्वीट वेयर दृष्टि बट टेड टूस ऑल द अस एंजॉयड दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस। इस प्रकार सतीश ने जहाँ दिवाली का आनंद लिया उसके विषय में यहाँ पर दिया गया। प्रोजेक्ट नंबर 8 देखिए, राइट 5 सेंटेंस रिलेटेड टू द पिक्चर्स, चित्र देख करके संबंधित के 5 वाक्य लिखना है। यहाँ चित्र में देखिए, आप चित्र में क्या दिखा हुआ देखिए, स्कूल का चित्र बना है और यहाँ क्या हो रहा है, स्कूल का चित्र बना है, यहाँ बच्चे बैठे क्या क्या कर रहे हैं वो लिखना है। तो बिगन लाइक दिस, इस तरह शुरू करें। दिस इज माय स्कूल, पहला है इट्स इस वेरी नीड्स एंड क्लेम। सेकंड है सम बॉयज आर प्लेइंग हॉकी ऑन द ग्राउंड। तीसरा है देयर इज गुड वेंटिलेशन इन ऑल द रूम्स। चौथा है आई लाइक इट वेरी मच। फिर पांचवा है आई स्टडी एंड प्ले इन माई स्कूल। तो इस प्रकार चित्र देख करके इसका आंसर दिया गया। अब प्रोजेक्ट नंबर 9 देखिए, तो कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मोस्ट राइट द मोसिंग मिसिंग लेटर्स। महीने के नाम को पूर्ण करो, छूटे हुए अक्षर लिखना है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ दिया है जे आई है ना, यहाँ इनको जो छूटा है रिक्त स्थान में महीने का नाम। आंसर एग्जाम्पल दिया है J1 जुलाई। तो मई देखिए, आप पहले में मई जून अप्रैल मार्च अगस्त सितंबर फरवरी अक्टूबर नवंबर जनवरी और दिसंबर। प्रोजेक्ट नंबर 10, इस प्रकार से महीने का नाम हम रिक्त स्थानों पर लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए, आप प्रोजेक्ट नंबर 10 लुक एट पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इन खाली स्थानों में हमको कंप्लीट शब्द करना है, लिखना है। दिस इज ए ब्लैंक्स, इट इज ब्लैंक्स इन द कलर, इट कैन इट्स कैन ब्लैंक्स इन द स्काई, इट्स लाइक टू इट्स इट्स इज वन ए ब्रांच। सेंटेंस चित्र को देखो तथा वाक्य को पूर्ण करो। देखिए आप, पहला क्या है, दिस इज ए पैरट, पैरट इस ए तोता, पैरट है तोता। तो यह है किसका चित्र है, तोता का है। इट इज ए ग्रीन इन कलर, यह कौन से रंग का है, यह हरा रंग का है। अगर देखिए, इट्स कैन फ्लाई इन द स्काई, ये कहाँ आकाश में उड़ता है। आई लाइक टू इट चिट्टी लाइन्स, यह मिर्चिया खाना पसंद करता है। इट इज ए सिटिंग ऑन ए ब्रांच, यह शाखा पर बैठ रहा है। तो आइए बच्चों, इस प्रकार हमारा होम बेस्ड प्रोजेक्ट कक्षा 5 विषय अंग्रेजी संपूर्ण हुआ। अगर आप हमारे चैनल में बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी, एवं अन्य ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।